हम श्री कृष्ण की प्रियतम भाव से उपासना करते हैं पर दिव्य भगवत दर्शन माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति इन बातों का मन में बहुत भय रहता है मन का भय निकालकर साधना कैसे की जाए आपको किसी चीज का भय रखना ही नहीं है आप तो बस साधना कीजिए आपको सिर्फ यही सोचना है कि हमें तो गुरु भक्ति करनी है गुरु भक्ति के माध्यम से ही वो जो चाहेंगे जो हमें देना है प्रेम भगवत प्रेम उनकी कृपा से मिलेगा माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति वो सब पर्यायवाची शब्द हैं चाहे वो आप उसको भगवत प्राप्ति कहिए चाहे उसको आनंद प्राप्ति कहिए चाहे माया निवृत्ति कहिए ये सब एक के ही पर्यायवाची शब्द हैं सिंपल सी बात यह है कि गुरु चरणों में प्रीति को बढ़ाइए उनके आदेश निर्देश का पालन कीजिए साधना कीजिए और अपनी भक्ति को बढ़ाते जाइए बस और आपको कुछ नहीं करना है जितना चिंतन जो तो आपके पास में 24 घंटे का समय है उसमें हरि या गुरु का चिंतन जितने परसेंटेज उसका बढ़ता जाएगा उतना ही परसेंट में आपका मन शुद्ध होता जाएगा हमारा काम है साधना करना उससे हमारा मन अपने आप शुद्ध होता जाएगा वो हमारे बस की बात नहीं है गुरु कृपा से मन शुद्ध होता जाएगा जब मन पूर्ण शुद्ध हो जाएगा बस हमारा काम खत्म अब गुरु तुरंत हमें प्रेम दान देगा बस हम माया निवृत्ति आनंद प्राप्ति भगवत लोक की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान की निवृत्ति सब अपने आप एक साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा कर्तव्य केवल साधना द्वारा अंतःकरण की शुद्धि साधना की शुद्धि बने गंदगी ना आने पाए एक तरफ आप अगर आत्मा की शुद्धि के लिए साधना कर रहे हैं और दूसरी ओर पर निंदा और चुटली और राग और द्वेष ये सब भी करते जा रहे हैं तो शुद्धि भी कर रहे हैं और शुद्धि भी बढ़ते जा रहे हैं बहुत तो टाइम लगेगा तो और संसार की बातों से बचो किसी की ना निंदा करो ना स्तुति करो ना किसी से अटैचमेंट करो ना किसी से दुश्मनी करो ये प्रयास करते हुए कि हम संसार से थोड़ा अलग रहे न्यूट्रल संसार से हम न्यूट्रल हो जाए उदासीन हो जाए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाए संसार में अपनी ड्यूटी करें बस प्रेम ना करें अटैचमेंट ये ना समझे ये हमारा हमारा है जब हम समझ लेते हैं तो हमारा अटैचमेंट शुरू हो जाता है और फिर जब उससे हमको अपना जो इच्छित फल है जो हमें उससे चाहिए वो नहीं मिलता वैसा व्यवहार नहीं मिलता तो हमें उसी से दोष द्वेष होने लग जाता है तो रागत द्वेष से बचते हुए हमें अपनी साधना करते हुए अपने मन को शुद्ध करना है बाकी सब काम गुम करेगा आपको उसकी डर या चिंता की जरूरत ही नहीं दीदी इन्हीं का फॉलो अप क्वेश्चन है कि महाराज जी हमारे गुरु हैं हमारे गाइड हैं बट एट द सेम टाइम महाराज जी श्री कृष्ण भी हैं तो क्या हम महाराज जी में माधुर्य भाव रखकर उनकी भक्ति कर सकते हैं क्या ये सही है हाँ सही